नमस्कार दोस्तों, आरपीएफ टेट टेस्ट जो एमसीजी एकेडमी है, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ टेट टेस्ट चल रहे हैं, लगातार अपडेटेड वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो आरपीएफ के टेट टेस्ट का जो 59वां वीडियो था, इससे पहले 58 वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। उन वीडियो को आप लोगों को चैनल पर विजिट करना है, आसानी से देख लेना है, क्योंकि हर एक वीडियो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल दे करके जाती है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो एमसीजी एकेडमी जो मेरा चैनल है, तो इस पर आप लोगों की जो एकेडमिक क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, उस पर आप लोगों को कॉम्पिटिशन की तैयारी करवाई जाती है। सीटीईटी के जो पेपर हैं, साथ ही साथ जो रेलवे के पेपर चल रहे हैं, उनकी तैयारी आपको घर बैठे ही करवाई जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट बुकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। जितनी भी बुक्स जो मार्केट में है, दो 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 तीन तीन सौ रुपये में आपको 10-10 20-20 रुपये में घर पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो आप लोगों को उस चैनल से जुड़े रहना है, यदि आप स्टडी करना चाहते हो। साथ ही साथ जो आरपीएफ का जो कोई भी अगला या डिफेंस का आप पूरी लाइफ में कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, तो उसकी तैयारी आप लोगों को नीचे जो मेरे चैनल बना रखा है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। आगे से सारी डिफेंस की तैयारी उसी पर आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाएंगी, फिजिकल टेट टेस्ट, और साथ ही साथ आप लोगों का स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को उसी चैनल पर उपलब्ध होगा। तो आप लोगों को उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। आज है दोस्तों 27 अगस्त, और आज हमारे एक भाई हैं जो घर पहुँचे हैं 26 अगस्त के, जो दिया हुआ था उनका टेस्ट टेस्ट, तो उनके बारे में सुनिएगा। और हर बंदे से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो उनको हर एक वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ होपलेस हो रहा हूँ मैं, तो आप लोग क्यों वीडियो को शेयर नहीं करते, वो मतलब ही होते जा रहे हो। इसलिए आप लोगों से मेरा ये भी कहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। हाँ नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। जी सर, मैं अमन कुमार सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, आप कहाँ से रहने वाले हो? सर मैं कोलकाता का हूँ। सर आपका जो है टेट टेस्ट हो गया? जी सर। बताइएगा सर, किस प्रकार से क्या क्या हुआ सर, बिल्कुल शुरुआत से बताइएगा। सर सुबह 5:30 में एंट्री कराया हम लोग को। यस सर। और फिर क्या बोलते हैं, हल्का सा वही एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और एक फोटो, ये देखा पहले स्टार्टिंग में। हाँ। उसके बाद बैच में, मतलब हमने हम लोगों को पीछे बैठा दिया, हर एक का बैच बना दिया, 20-20 का बैच, 20-20 लोगों का अलग अलग बैच बना दिया। जी सर। हाँ सर। और फिर 20-20 का बैच बना के फिर वन बाय वन करके उनको ले जा रहा था, और ज्यादातर मोस्टली को दिया जा रहा है आटा सानने के लिए। क्या सर? आटा सानने के लिए दे रहा है, आटा सानने के लिए। आपका किस डेट में था सर? आटा सानने के लिए सर, वेट वेट। आपका किस डेट में था ट्रेड टेस्ट सर? आज सर, 26 तारीख। 26 अगस्त आज ही था? जी सर। बिल्कुल शुरुआत से बताइए सर, क्योंकि आप हमारे सेकंड व्यूअर्स होंगे और आपकी वीडियो बहुत ज्यादा चलने वाली है सर। हाँ, क्योंकि मैं वाटर कैरियर का मैं सोच रहा था कि सबको बता दूं कैसा क्या चल रहा है, एक्सपीरियंस शेयर कर। बताइए बताइए, बिल्कुल बताइए। जी सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि सर वो बैच में पहले दे रहे थे सबको 20-20 करके। हाँ। उसके बाद उन्होंने भेजा सबको एक एक करके, एक एक बैच करके वो स्टार्ट कर दिए थे। 7:30 से शुरू हो गया था, 7:30 नहीं 8 o'clock से शुरू हो गया था। हाँ। तो हमारा तो, मतलब मेरा तो कम से कम 13th बैच था, तो मेरा लगभग 10-10:30 बजे एंट्री हुआ हमारा। हाँ। और वो आज के दिनों में देखा जाए तो सर मोस्टली वो आटा सानने के लिए, आज के जितने भी लोगों लोगों को मोस्टली आटा सानने के लिए दिया, आटा सानने के लिए दिया। उनको रोटी चपाती बनाना नहीं है, जस्ट एक जस्ट तीन रोटी का एक क्या बोलते हैं डव तैयार करना है। सर ये कैसे कंफर्म किया कि उनको आटा सानना आता ही नहीं है? नहीं नहीं आटा सानना आता है, आटा बस ये बनाना है सर उनको, क्या बोलते हैं वो रोटी तैयार नहीं करना, बस आटा गुड़ के मतलब एक बना के दिखाना है कि हाँ सही है कि नहीं, स्मूथ है कि नहीं, मतलब सही है कि नहीं आटा हो गया। मतलब सर समझ नहीं आया सर मेरा, एक बार बताइए, मतलब कितने बंदों को जो आपके बैच में क्या करवाया सर, आपको सबसे पहले एंट्री ली? हाँ मैं तो एंट्री लिया सर, मेरा 13th बैच था। हाँ सर। तो मोस्टली 1 से लेके 10th तक बैच जितना भी रहा ना, 1 से लेके 10th बैच तक, हाँ सबको वही दिया गया आटा छानने के लिए। आटा छानने के लिए गुंदवाया नहीं? सानने के लिए सर, सानने के लिए। कितना कितना आटा दे रहे थे सर? 3 चपाती का। सर उनका रोटी कौन बनाएगा फिर? कोई नहीं सर, किसी से नहीं बनवाया? नहीं किसी से नहीं, बस वो देख रहे थे बेसिक, मतलब स्टार्टिंग में। क्या मतलब शुरुआत में क्या देख रहे थे? वही कि मतलब उनको स्टार्टिंग में बनाना था कि नहीं, बाकी क्या आगे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो नहीं देख रहे थे। ऐसा? हाँ। मींस आटा गुंदवाया बस मात्र ना? जी जी जी, उसके अलावा कुछ नहीं करना था, बस वो बेसिक देख रहे थे बस। कहने का मतलब, आज दिल्ली में बहुत सरल ट्रेड टेस्ट हुआ है सर, इससे पहले अभी यदि नासिक का एक्सपीरियंस वीडियो आपने सुना था सर? जी। तो आपके जो है मेरे चैनल से पहले से व्यूअर हो आप? हाँ सर, मैं देखता था सर आपका। तो आपको सर उससे कोई हेल्प मिली सर? ये सर हेल्प मिला सर मुझे, लेकिन मैंने बेसिक्स गलत किया है सर। मतलब क्या गलती हुई जिस कारण से अपना सिलेक्शन नहीं हो पाया सर? वो वेजिटेबल के लिए, मतलब सब्जी बनाने के लिए स्टार्टिंग में कटिंग था सर, मुझे नहीं लगा। मतलब सब्जी भी कटवा रहे थे वो लोग? जी। क्या कटवाया सर आज?
करेला कटवाया? करेला आप नहीं काट पाए ना? मतलब काट पाया, लेकिन वो पहले छीना था ना उसको, क्या सर? छीलना था पहले। जी पहले छीलना था, आपने सीधा काट दिया। और मतलब बताइए सर, क्या क्या सब्जियां उपलब्ध थी वहाँ पे आज? आलू, बैंगन और हाँ, ये करेला जी, आलू बैंगन और करेला ना। और कैप्सिकम सर, शिमला मिर्च क्या शिमला मिर्च? और सर ये बात है ये सर, मतलब जो है कितने बंदे आज टोटल आए थे? लगभग सर, देखा जाए तो 550 से लेके 600 तक। 550 से 600 तक बंदे आए थे। उन लोगों से क्या क्या करवाया, मतलब लगभग सभी लोगों से? सभी लोगों से मैं तो बोला, बताया ना सर, ये पहले बैच से लेके 10वीं बैच तक सिर्फ आटा गूंदवा के रखा सबको, हाँ और मेरा 13वां बैच था, तो 10 के बाद चेंज कर दिया उन्होंने, 10 के बाद दे दिया सब्जी उब्जी के लिए किसी को सब्जी, जैसे हाँ कि। और उस आज क्या किया ना, वो उन्होंने उनसे वो पूछे हम लोग से कि भाई आपको चपाती बनाना आता है या नहीं, तो हमने हाँ बोला कि जो बोल रहे थे कि नहीं आता है, तो उनको अलग दिया जा रहा था चीज, क्योंकि तो ये तो सर मतलब एक तरीके से सेफ्टी है, मतलब यदि नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हें और कुछ भी दे देंगे। जी जैसे कि सर, जैसे कि आंध्र वाले हैं या साउथ के जितने बच्चे हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं ना, हाँ और वो तो राइस खाते हैं, हाँ तब उन्होंने उनसे पूछा कि आपको चपाती आता है क्या, तो बोल रहे थे कि नहीं चपाती उतना नहीं खाता हूँ मैं, तो हाँ बोल रहे थे कि ठीक है ओके, फिर कुछ चूज क्या बना सकते हो, बोले कि राइस वगैरह या फिर कुछ वेजिटेबल वगैरह, तो बोले हाँ ठीक है तुम्हारा एक अलग ही बैच बना देते हैं, तो हाँ उनका भी अलग बैच बना था, और उनको मोस्टली दिया गया राइस बनाने के लिए या फिर वेजिटेबल काटने के लिए सर, ये दो में से कोई काम उनको मिला। वेजिटेबल कटवाया मतलब उन लोगों से। जी सर, बस कटिंग करना, बस एक बस कटिंग करना है, बनाना कुछ नहीं है, और रोटी वोटी कुछ नहीं बनाना है, बस वो आटा सानने के लिए दिया गया, ये दो काम बहुत चला आज वाटर गेम में सर। आज मतलब पहला दिन था, तो यही सब एक्सपीरियंस तो बंदों को मिलना चाहिए, तभी तो उनको पता लगेगा किस प्रकार से क्या क्या जी हो सर, रहा है। जी सर, जी सर, लोग बोल रहे हैं कि मतलब रोटी वोटी बनाने के लिए दिया जा रहा है, ये वो दिया जा रहा है, वो जस्ट बेसिक देख रहे हैं कि हाँ भाई आटा सही से सान दिया, मतलब बंदे में दम है, बाकी वो कुछ नहीं देख रहे हैं कि रोटी बनाना आता है या नहीं आता है, उनके पास टाइम ही नहीं है, और मुश्किल से सर मैं बता रहा हूँ आपको टाइमिंग वो देते हैं 1.5 मिनट बस, 1.5 मिनट किस लिए? आटा गूंदने के लिए? सिर्फ आटा गूंदने के लिए, 3 रोटी का आटा गूंदना है सर, तीन तीन चपाती रोटी का, का, 3 चपाती का आटा गूंदना है। कितना? 1.5 मिनट देंगे? डेढ़ मिनट आपको टाइम मिलेगा, हाँ और वही मतलब एक बार विसिल मारेंगे तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, विसिल अगर एंड हो गया टाइम, तो बस आपको एक स्टेप पीछे हो जाना है कि वहाँ टाइम ओवर हो गया, और हाँ कमांडेंट आएगा चेक करेगा 1 बाय 1, और मतलब मोस्टली देखा जाए ना तो एक बैच 20 में से सिर्फ 2 को ले रहे थे वो। मतलब सर कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ आज टोटल? टोटल सर, टोटल तो 18 बैच था टोटल, तो हाँ हर बैच से 2 बंदे को ले रहे थे, तो फिक्स आप था, कह मतलब सकते दो दो हैं से तीन ये नहीं कह सकते 36 36 से लेके 38 बंदे का हुआ सर। इतना? हाँ सर, 37 से लेकर 38 बंदों का सिलेक्शन हुआ आज। सर क्या है, पहला दिन था जिस कारण से आज इजी था। हाँ इजी तो था सर, इजी तो था, वही मतलब मैं बोल रहा हूँ सर बेसिक्स देख रहे थे, अब मेरे से क्या गलती हुआ कि अब घर में जैसा बनाता था, अब हम लोग रहते हैं सर रूम लेके, मतलब हाँ कॉलेज में पढ़ते हैं तो रूम लेके रहते हैं, हाँ तब उसमें कोई उतना चिल्ला नहीं है, वही आदत था और वही आदत को यूज कर दिया मैं, और हाँ जल्दी जल्दबाजी बना दिया, टाइम भी कम था, तो अब बेसिक्स वो देख रहे थे सर, वो पहले छीलना था, तो हाँ बाद में उन्होंने बोला भी यार तुम, वो कुक जो होता है ना बगल में, जो टाइम खत्म हो गया तो फिर बोला कि यार कॉमन सेंस भी होना चाहिए तुम लोगों में, कोई छीला नहीं, लेकिन सिर्फ 2 बंदे ने छीला था सर, 2 बंदे ने हाँ छीला था और काट दिया था बस, तो हाँ सिलेक्शन उन दोनों का ही बस हुआ, बाकी किसी का भी नहीं हुआ, और सर ड्रेसअप क्या था? ड्रेसअप का सर उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जैसा मैं आपके पहले वीडियो में सुना था, वो बोल रहा था कि फॉर्मल्स पहन के जाओ, वो बहुत देखते हैं ये देखते हैं, नहीं सर बेसिक्स वो देख रहे हैं कि हाँ बंदे में अगर बेसिक्स का ज्ञान है तो मतलब सिलेक्शन हो रहा है सर उनका, ऐसा नहीं है कि कोई फर्जीवाड़ा है या फिर कुछ है, ऐसा मुझे नहीं लगा सर, पर्सनली बताऊं तो हाँ सर, तो कुछ बंदों का कहना होता है सर सिलेक्शन हो जाता है तो यार रिएक्शन हो जाता है, तो वो ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं। हाँ सर, मेरा तो मतलब मैं रिजेक्ट हो गया, लेकिन मुझे यकीन लगा कि कोई गलत काम मुझसे गलती हुआ, मैं ये मानता हूँ सर, ये तो आपका बिल्कुल कहना सही है सर। उनके तरफ से सर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, लेकिन हाँ टाइमिंग बहुत कम दे रहे थे, फटाफट मतलब रिजेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट था उनका सर, बहुत ज्यादा फास्ट, सर मतलब एक बंदे से दो काम करवाए, आटा भी गुनवाया और सब्जी भी? नहीं सर एक 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 बंदे से एक ही काम करवाया, क्या?
लेकिन बैच वाइज डिपेंड करता है, कोई किसी बैच में आटा गूंदा दिया, किसी बैच में क्या बोलते हैं वेजिटेबल को कटिंग करने दे दिया सर। अब मेरे बैच में दे दिया करेला सब काटने के लिए, हाँ किसी के बैच में दे दिया था क्या बोलते हैं ये आलू आलू का कटिंग करने के लिए, मतलब वेजिटेबल बनाओगे तो उनका स्लाइसेस मतलब कैसे करना है, आलू को मतलब कैसे कटिंग करना है, आलू का कैसा शेप होना चाहिए, हाँ बस बता रहे थे कि आपको सब्जी बनाना है, आप अपने अनुसार बताओ कि कैसा कटिंग होगा आलू का। हाँ ठीक है, ये हो गया। और फिर आटा गूंदने के लिए वो बता रहे थे आटा वाला के लिए कि हाँ हाथ में नहीं लगना चाहिए आटा वगैरह, या फिर नीचे ज्यादा चिपका नहीं होना चाहिए। वो जो दे रहे थे ना एक थाली दे रहे थे सर, कितना बड़ा? थाली दे रहे थे सर जो हम खाते हैं ना नॉर्मली जिसमें हम, हाँ तो उतनी बड़ी सर थाली थी। और उसमें कितना आटा था सर? आटा सर मतलब 3 चपाती का आटा था सर। मतलब फिर भी कितना कितना बोलूंगा, जिससे सर 3 चपाती लगभग बन जाए उतना आटा था, मतलब क्या बोलूंगा एक मुट्ठी टाइप में था सर। एक मुट्ठी आटा दे रहे थे उसको जी सर, 1.5 मिनट में गूंदना था। 1.5 मिनट में वो गूंदना है सर। और अगर आपके हाथ में सटा हुआ रह गया, हाथ अगर क्लीन अगर सही से नहीं हुआ या फिर नीचे में स्टिक किया हुआ है तो मतलब रिजेक्शन हो रहा था सर। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कमांडेंट आके मतलब वो टच करके भी देख रहा था और वो समझ भी रहा था कि भाई इसमें ये इन्होंने गलत बनाया, वो 20 में से 18 को रिजेक्ट कर रहा था वो एक जिस बंदे बैच को को मैं सीधा देखा। सीधा बात है, दो लोगों का सिलेक्शन होना है क्लियर वो तो। जी सर, मैं तो यही देखा कि जो बैच मेरे से पहले गया उसमें से 18 बंदे ही बाहर आ रहे थे हर बैच से, और 2 बंदे का हो रहा था सिलेक्शन। मेरे बैच में भी खुद 2 बंदे का सिलेक्शन हुआ सर, एक उनका था एक साउथ से था। हाँ उनका क्या स्पेशल था सर? स्पेशल सर कुछ नहीं था, कटिंग का मतलब थोड़ा मतलब उनका क्या था ये था साइड से मतलब ऊपर से वो होता है ना जिससे उनका कवरिंग जो होता है ये करेला का सर हाँ छिलका, उन्होंने ये सही से ये किया था और फिर कटिंग किया था। और हमने क्या किया सीधा कटिंग कर दिया साइड से, मतलब जल्दबाजी में कर दिया सर, और उन्होंने वही टाइम लिया लेकिन हल्का सा कॉमन सेंस लगा के काम किया बस। हाँ यही आपने कॉमन सेंस से काम नहीं किया। जी सर कॉमन सेंस से काम नहीं किया ये तो मानता हूँ सर, जैसा चलिए मतलब हम यूज करते हैं घर में बार वैसा ही कर दिया सर कि चलो चलो ऐसा ही कर देते हैं मैं बस। ऐसा मानता हूँ कि जिन लोगों का वहां फिल्म पे में हो रहा हल्का है। प्रोफेशनल होना है सर, क्या सर? वहां पे हल्का प्रोफेशनल दिखाना है सर, प्रोफेशनल। हाँ मतलब हल्का प्रोफेशनल दिखाना है, वही तो मेरी समझ में आया शुरुआत से। जी सर और ये जी आज सर, पहला आपका दिन था मतलब इस कारण इतना सरल काम करवा रहे हैं सर, नहीं तो वाटर कैरियर में बहुत करे करे काम करवाते हैं। आपने पेड़ पुरानी वीडियो में सुना होगा सर, जी 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 इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे यदि आज नहीं करवाए तो आगे नहीं करवाएंगे, आगे तो कोई ना कोई चांस बनते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं वो लोग। और हम ठीक, लोग को छोड़ दिया जा रहा था सर लगभग 2 बजे के करीब। 2 बजे करीब छोड़ दिया था। जी सर, मतलब कितने बंदे को एक साथ छोड़ रहे हैं वो लोग? एक साथ सर जैसे एक बैच खत्म हो जा रहा तो अब उनमें जो सिलेक्शन हो रहा है उनको वो रिटर्न कर ले रहे हैं, बाकी 18 को और रिजेक्ट करके मतलब उसी टाइम छोड़ दे रहे हैं सर। कितने बजे लगभग? मतलब हाल ही? हाल ही सर जैसे कि अब कोई किसी बंदे का 9 बजे सिलेक्शन हुआ, 9 बजे उनका बैच अंदर गया तो वो 1 घंटे में सर बाहर आ जाते हैं सर। हाँ सर तो हाल की अगली बार छोड़ रहे हैं जी सर, ज्यादा टाइम वो नहीं ले रहे हैं सर, और बहुत फास्ट प्रोसेस सर हो रहा है खास सर। करके दिल्ली में सर। पहले आने जाने का कोई इफेक्ट? नहीं सर, रोल नंबर वाइज है, मतलब पहले आने जाने का कोई इफेक्ट नहीं है सर। जो बंदा जिस टाइम पे पहुंच जाए वो उसको जिसका जो टाइम होगा वही उसका होगा, है ना? हाँ सर, बस मतलब जैसे कि 5:30 बजे एंट्री है ना तो कम से कम 9 बजे भी लड़के पहुंच रहे हैं तो उनको ले रहे हैं, लेकिन 10 बजे के बाद एक लड़का पहुंचा था तो उसे नहीं लिया सर, एंट्री नहीं किया। 10 बजे के बाद तो नहीं दिया होगा। जी सर, वो बहुत मतलब रोने लगा लेकिन फिर भी नहीं माना, वो सब इंस्पेक्टर था एक, वो मना कर दिया, बोला कि एंट्री 5:30 बजे है, तुम मुश्किल से 9 बजे पहुंचो, अगर ट्रेन लेट होगी तो अब तुम आ रहे हो इतने लेट में, तो मतलब उसको भगा दिया सर। भगा दिया जैसे कि उसको। जैसे किसी कोई को सोचता है ना कि 5:30 हो गया अब 7 बज गया तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाए वो 9 बजे तक अगर पहुंचे तो उनको लिया जाएगा सर चांस। 9 बजे तक एंट्री जी दे आई वो तो। अब 10 बजे तो क्या है कि वो एक दो बैच भी निबट जाएंगे, इस कारण से उन्होंने भगा दिया। जी सर जी सर। और ये SSCGT का सर मैं अपना फिजिकल उसका भी मैं शेयर करने वाला था सर 16 तारीख को, लेकिन मैं मेरे पास नंबर नहीं था आपका। 16 तारीख को था ना सर आपका? उसका सर मैं जी सर, पर्सनली आपको कॉल करूंगा अभी। हाँ सर 16 अगस्त को मेरा था। ओके सर, उसके लिए मैं पर्सनली आपको कॉल करता हूँ अभी। हाँ सर, उसके लिए क्वालिफाई कर गया हूँ सर। हाँ उसके बारे में भी आप बताना सर, मैं उसके लिए भी अलग से जो है एक मैंने उसके लिए भी तैयार किया ग्रुपिंग सब कुछ। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जितने भी बंदे हैं मैंने RPF टेटेस नाम से नीचे जो ये कोई चैनल क्रिएट किया उसको जरूर जोड़ लेना है सर, क्योंकि भविष्य में कोई भी डिफेंस का कोई भी जॉब निकलती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो वहाँ आपको उसकी तैयारी करवाई जाएगी, मतलब पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ मतलब फिजिकल की भी टिप्स दी जाएंगी,
और साथ ही साथ मतलब कोई टेस्ट वगैरह उसके साथ भी उधर ट्रेड वगैरह तो सब कुछ करवाया जाएगा वहाँ पर, वो स्पेशली मैंने उसी के लिए बना दिया। और फिलहाल में उसका काम है कम्युनिटी चालू करना है, आरपीएफ वाले कुछ बंदे जो है जो याचिका डालने वाले हैं कोर्ट में, तो इस कारण से मैंने उसको तैयार किया है जैसे सारे बंदे उसको जुड़ सकें। ओके सर जी। ओके सर, सर आप अपने भाइयों से कुछ कहना चाहते हो? आपको पता है इसको लाखों लोग नहीं कह सकते लेकिन हजारों लोग तो सुनने वाले हैं कम से कम, तो कुछ आप यस उनसे कहना सर, चाहो? मैं बस जो भी जिनका भी ट्रेड टेस्ट अभी आने वाला है, मैं यही बोलूंगा कि आप बेसिक्स पे मतलब फोकस करो, खास करके सलाद को कैसे काटना है एक नंबर पहला, और रोटी रोटी को मतलब जो आटा होता है कैसे तैयार करना है वो, मतलब ये सब बेसिक्स है। और जैसे कि कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, हाँ ये भी आपने वेजिटेबल्स कहना को सही है। कैसे मतलब कटिंग करना है, जैसे कि आप ये नहीं कि छिलका मतलब ऊपर से छिलका नहीं ये कुछ किए और सीधा उसको जाके कटिंग करती है, मतलब रफ नहीं होना है उसमें, मतलब प्रोफेशनल थोड़ा होना है सर। प्रोफेशनल करवा रहे हैं सीधा सीधा सारी जी सारी सर, बात। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बंदा एक कुक है और कुछ साल से मतलब ये खाना बना रहा है, ये नया नया अगर दिखेगा तो पहचान लेते हैं सर ये नया लड़का है जिसे मतलब उतना नहीं आता, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं सर इंग्लिश में, और उनके साथ कुक भी होता है सर, 5-6 कुक भी होता है। जो लोग मतलब अपना सब कुछ देखते रहते हैं। जी सर, और कमांडेंट तो सर बहुत एक्सपर्ट है सर, कमांडेंट मतलब कोई असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट और कमांडेंट तीनों रहते हैं सर, हाँ और बहुत बारीकी से देखते हैं वो। हर एक चीज को बारीकी से चेक करते हैं। जी सर, मैं यही बोलूंगा सर वो बेसिक्स पे ध्यान दे, जैसे कि कोई भी सामान कोई भी चीज बनाना है, और वो ऑलमोस्ट आज जो हुआ ना सर वो भी कल भी वही रिपीट वो करेंगे। क्योंकि हाँ लगभग जब तक उनको पता नहीं लग जाता कि बाहर कुछ मतलब ऐसा है तब तक तो वो वही करेंगे। यो जो कुक था ना सर उनसे बात किया, वो बोले कि यार देखो अब सबसे सही है ना कि जैसे कि इसमें फिल्ट्रेशन बहुत जल्दी हो जा रहा है, अब तुरंत तुरंत काम हो जा रहा है, अब उनको कौन सब्जी बनवाएगा या फिर अंडा बनवाएगा या फिर कुछ बनाएगा, ये इसमें बड़ा सिंपल हो रहा है ना, तो हमारे लिए भी सही है, कम टाइम लग रहा है, तुम्हारे लिए भी सही है, हम इनमें समझ लेते हैं कि बंदे में क्या है तरना। हाँ, तो इतने तो में वही ही वो कर देंगे मतलब। हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ कि सर वो आटा को अच्छे से गूंदना सीख लें, और क्या बोलते हैं ये कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स 2 नंबर, और सर ये तीसरा है कि मतलब सलाद को काटना है। जी सर, ये मतलब 3 बेसिक्स है, ये तीन मतलब ये तीन तो मतलब करवा ही रहे सर हाँ हर बैच में। ये तीन तो नॉर्मली प्रत्येक बच्चे से जी करवा सर रहे हैं मतलब। जी सर, और एक बैच तो जब से लास्ट बैच था उसमें ऑमलेट दिए थे बनाने सर, ऑमलेट। ऑमलेट बनाने को दिया, जी सर लास्ट बैच में, चलो ऑमलेट ही बनवा रहे हैं, इसमें भी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कोई। जैसे बंगाली लड़के होते हैं ना सर, बंगाली लड़के, तब उनसे पूछा कि मतलब तुम यार क्या बनाओगे, वो बोले कि चपाती मुझे नहीं आता अच्छे से बनाना, तो वो एक ऑप्शन दिए कि ठीक है, तो उसमें भी बंगाली तमिल तेलुगु केरला वाले और फिर नॉर्थ ईस्ट वाले, उनका एक अलग ग्रुप था सर कि, और तो उनमें भी क्या बोलते हैं 20-20 करके 2 बैच बना था, तो एक बैच को तो वेजिटेबल कट करने के लिए दिए और एक को ऑमलेट बनाने दिए सर। हाँ जी तो एक बैच को वेजिटेबल कट करने, एक बैच को ऑमलेट बनाने, तो ऑमलेट बनाने के लिए सर, मीन्स वो ना पास थोड़ा चॉइस मतलब का भी अपने पास वो है मतलब ऑप्शन है। हाँ जी सर, वहाँ पे ये नहीं है कि आपको चपाती अगर बनाना है जो दे दिया गया वही, वो पहले पूछते हैं सर, चपाती अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो क्या बोलते हैं आप दूसरे बैच में आ जाओगे जहाँ पे चपाती नहीं मिलेगा, कुछ कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा कुछ अलग बनाने के लिए चपाती को छोड़ के। जी सर, ये ऑप्शन भी देते हैं सर अच्छा है, वो। कोई बुरा थोड़ी नहीं है, बहुत अच्छा है मतलब अपन को ऑप्शन भी दे रहे हैं ये तो। हाँ सर, ऑप्शन देते हैं सर। सर जो है आप कुछ कहना चाहते हो अपने भाइयों से, कुछ और भी मतलब प्रमोट कुछ करना चाहते हो तो बोलिएगा। यस सर, मैं तो बस यही बोलूंगा कि बस जाए अपना वो 100% दें, और क्या अपना बेसिक्स पर ध्यान दे बस, जो भी दिया जाएगा बस हाँ, और साफ सफाई का मतलब ख्याल रखें, और एक कुक को मतलब कैसा होना चाहिए बस वो जाके उनको प्रेजेंट करना है सर वहाँ पे ये बस, भी और आपने कहा, ज्यादा कुछ शो ऑफ वगैरह ना करे, बेसिक्स पे ध्यान दे बस। बेसिक्स पर ध्यान दें, आपके कहने का जी मतलब सर सीधा सीधा जी बात सर ये है। जी सर, वो जो दे रहे हैं जैसे कि कोई कोई बंदा था, अब चावल है, चावल में कोई कोई मिला रहा था नमक सर, नमक में भी वो छट रहा था, हाँ चावल में नमक क्यों मिला रहे हो, तो मतलब ऐसा सर, मतलब बेसिक्स जो होता है ना एकदम मतलब सिंपल रेसिपी वो हाँ बनाना है सर, ये ये भी था। आपका सही है। अभी क्या है कि बंदों को यही सब तो नहीं आता है, यही सब तो देखने के लिए वो कर रहे हैं और क्या है। जी सर, करेला को आज दिया था जैसे मेरे बैच में सर, उसको मैं सही से छीला नहीं पहले और सीधा जाके कटिंग कर दिया साइड से, मतलब कटिंग वटिंग मार दिया बस, क्योंकि टाइम बहुत कम था तो हड़बड़ा गया कि यार 1 मिनट मुश्किल से मिला था, 1 मिनट या कुछ 70 सेकंड मिला था सर हमें करेला काटने के लिए, 70 सेकंड,
तो उसमें से मतलब हड़बड़ा गया, तो उसमें से लेकिन हमारे बैच में दो लड़के ने कॉमन सेंस लगाया, उनका हो गया। ये कॉमन सेंस थोड़ा सा चाहिए ट्रेड टेस्ट में बस। सही समय पर सही डिसीजन लेना है। यस सर, कम टाइम में कुछ अच्छा सोच लिया और क्या, उनका हाँ हो गया। यही आपको कहना सही है। और उसके लिए कुछ भी नहीं सर, क्या बोलते हैं, कोई अदर टेस्ट भी नहीं कराया, बस एक टेस्ट कराया उनके, उनसे करेला वगैरह कटिंग, बस खत्म, पास। बस पास जी सर, अच्छा था, मतलब काफी कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर तो। जी सर, जी सर, जो अभी जो पहले से कुकिंग वगैरह हल्का सा नॉलेज भी है तो कर ले रहा है। अब हम लोग नए नए थे सर, उतना आइडिया नहीं था उतना। हाँ ये भी आपका कहना सही है। सही हाँ सर, उतना आइडिया नहीं है, अब जो अपना बनाते थे कॉलेज लाइफ में अपना वही बना दिया सर अपनी टाइप में, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल होना है वहाँ पे। जी सर जो है बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो कुछ बंदे क्या है सर, यदि वो नहीं हो पाते हैं तो डिमोटिवेट करते हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि कम से कम बच्चों को डिमोटिवेट तो नहीं किया, आप इतना कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए, जो आपने अपना कीमती समय अपने सर, जी बच्चों सर, के जी लिए सर, दिया सर। आरपीएफ वाले मतलब स्टाफ तो हेल्प कर ही रहे हैं सर, वो कोई मतलब दिक्कत उसमें नहीं है कि मतलब कोई अंदर से कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है या फिर कुछ ये हो रहा है, नहीं सर, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, जो बंदे हैं सही उनको वो लिया जा रहा है सर। जो बंदे हैं लायक उनको लिया जा रहा है। हाँ, और साउथ वाले को थोड़ा मतलब दिया जा रहा है प्रेफरेंस, साउथ वाले को सर। हाँ सर वो तो इतना प्रेफरेंस तो देते हैं, क्योंकि कोई बंदा इतनी दूर से आया उसके बाद प्रेफरेंस नहीं देंगे तो बंदा हाँ, कभी आएगा इतनी भी इतनी नहीं। दूर से आया, और कुक में सर, कुक स्टाफ में साउथ का थोड़ा कमी है, क्योंकि कुक वाले मतलब थोड़ा कुक में नहीं आते हैं सर, साउथ से ज्यादा नहीं आते हैं, तो वो रेशियो मतलब साउथ का ज्यादा है सर, हाँ थोड़ा सा यूपी उनको यूपी प्रेफर बिहार कर रहे वाले से हैं, ज्यादा साउथ का रेशियो है सर। प्रेफर कर रहे हैं मीन्स उन लोगों को। जी सर, जी सर, कर रहे हैं, प्रेफर करें सर। बिल्कुल चलो ये भी आपका कहना, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब उनका हो ही रहा है तो अपन इसमें कर भी क्या सकते हैं, सही कि नहीं। हाँ सर, आप जो है और कुछ कहना चाहते हो सर? नहीं सर, अभी तो बस इतना ही कहूंगा सर, बस बहुत बहुत अपना वो बेस्ट दे बंदे, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर जो है आपने बाकी अपना। उनका लक भी होता है, लक भी फैक्टर है सर इसमें बहुत। हाँ ये भी आपका कहना बिल्कुल सही है, लक भी एक चीज़ होती है। जी सर, क्योंकि 1.5 मिनट में अगर किसी को सिलेक्शन करना है, रिजेक्शन करना है, उसमें हल्का लक भी चाहिए सर। हाँ ये भी आपका कहना बिल्कुल ही सही है सर। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने अपना कीमती समय दिया सर। थैंक यू सर। सर ये आपका जो वीडियो है आपको जल्द से जल्द हमारे चैनल पर कल गुड मॉर्निंग में 7 बजे उपलब्ध हो जाएगा सर। ठीक है सर, सर आप अपना एक फ़ोटो ज़रूर भेज देना यदि आप देना चाहो तो। ओके सर। थैंक यू सर।